हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसिड और बेस के बारे में। एसिड किसको कहेंगे और हम बेस किसको कहेंगे और उनके कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में भी जानेंगे और किस किस चीज़ से इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। अम्ल को सबसे पहले मैं परिभाषित कर लेता हूँ। तो अम्ल मेरे वो यौगिक हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अगर इनको मैं चख करके देखूँ तो चखने पर जो खाद्य पदार्थ हैं वो खट्टे लगते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अम्ल युक्त खाद्य पदार्थ हैं। अगर अब मैं इसका रासायनिक टेस्ट करके देखूं या कोई रिएक्शन के थ्रू इसको जांच करके देखूं, तो लिटमस का उपयोग करके मैं इसकी पहचान आसानी से कर सकता हूं। नीला लिटमस जब ऐसे यौगिकों के जलीय घोल के संपर्क में आता है तो वह लाल हो जाता है। यहां हम एक फिगर भी देख रहे हैं। हमने एक बीकर में ऐसे यौगिक का जलीय घोल लिया है। अब हमने नीले लिटमस को इसके साथ में डिप किया, इसके कांटेक्ट में इसको लेकर के आए। हमने देखा कि जो हमारा नीला लिटमस पेपर था वो जितना कांटेक्ट में आया इस जलीय घोल के, वो लाल में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लाल में कन्वर्शन ये हमारा एसिड को दर्शाता है। एसिड को परिभाषित करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम श्वान्ते आर्गिनियस है, जिन्होंने 1884 में एसिड बेस के कंसेप्ट को दिया। इनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं जो जल में मिश्रित करने पर प्रोटॉन देते हैं। मैं प्रोटॉनों को H+ आयन भी कहता हूँ। तो हाइड्रोजन आयन अगर मुझे मिल रहा है इनके जलीय घोल से, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अम्ल है या एसिड है। यह मैं एक एग्जांपल मैंने लिया है HCl। HCl का जब मैं वाटर के साथ में इसको मिश्रित करके देखता हूँ, तो यह मिश्रित करने पर H+ और Cl नेगेटिव आयन में विभक्त हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किनियस यहाँ से मुझे प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ HCl एक ऐसा यौगिक है, या HCl को मैं अम्ल यौगिक कह सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैंने वाटर का लिया है। वाटर चूंकि एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हम देख रहे हैं वाटर जब डिसोशिएट हुआ, वाटर जब अपने आयनों में विभक्त होता है तो वो H+ और OH नेगेटिव आयन देता है। तो H+ आयन मुझे वाटर से मिल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ वाटर मेरा अम्ल की तरह भी बिहेव करता है। अब मैं अम्ल के गुणों की पहचान कर लेता हूँ, कौन कौन से गुण अम्ल में होते हैं। अगर मैं स्वाद की बात करूँ तो स्वाद में ये खट्टे होते हैं, तो इनका खट्टापन इनका पहला गुण है। दूसरा गुण, जब नीला लिटमस इनके संपर्क में आता है तो ये उसको लाल कर देते हैं, तो ये भी इनका गुण हो गया कि नीले लिटमस को लाल कर देना हमारे अम्ल का एक विशिष्ट गुण है। अगर मैं इनके अगले गुण की बात करूं तो ये कुछ धातुओं के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहां मैंने एक रिएक्शन भी दिखाया है, आप देख रहे हैं ये मेटल और एसिड या अम्ल दोनों जब रिएक्शन करते हैं
दोनों को जब मिलाया जाता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। तो मैं कह सकता हूं एसिड और बेस आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ये भी एक इनका गुण है। अगले गुण की बात करूं तो अगर मैं कार्बोनेट के साथ में देखूं, कार्बोनेट के साथ में अगर मैं अम्ल को मिला देता हूं तो मिलकर के वो CO2 गैस बाहर निकालते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ये भी मेरे अम्ल का एक विशिष्ट गुण है। क्षारकों के साथ में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। कोई क्षार है, क्षार का गुण को ये समाप्त करने का भी गुण अपने अंदर रखते हैं। अब मैं इनके प्रकार देख लेता हूं। तो अम्ल के प्रकार, अम्ल दो तरह का होता है, एक ऑक्सीअम्ल दूसरा हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड, चलिए हम पहले ऑक्सी एसिड की बात कर लेते हैं। ऑक्सी एसिड को हम परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हैं, ऐसे अम्ल ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। इनके उदाहरण हो जाते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे हैं, तो ये हो गया हमारा नाइट्रस अम्ल और ये नाइट्रस अम्ल टाइप हो गया ऑक्सी एसिड का। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे एटम लगे हुए हैं, तो ये भी ऑक्सी एसिड का एक प्रकार हो गया। दूसरा अम्ल के प्रकार है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड को परिभाषित करने के लिए मैं देख रहा हूं कि केवल हाइड्रोजन अगर मेरा उपस्थित है ऐसे अम्लों में तो मैं उसको हाइड्रा एसिड अम्ल का प्रकार बोल सकता हूं। तो हाइड्रा एसिड अम्ल के उदाहरण हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। केवल हाइड्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ऐसे अम्ल हाइड्रा एसिड कहे जाएंगे। इसका दूसरा उदाहरण हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और भी इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। विभिन्न पदार्थों में अम्ल और उनका उपयोग, आप देख लेते हैं इनके क्या क्या उपयोग हैं। यहां मैंने कुछ अम्ल लिए हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत और उनके क्या क्या उपयोग हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करूंगा, जिसको आम भाषा में, आम बोलचाल में मैं तेजाब के नाम से भी जानता हूं। तो H2SO4 प्राकृतिक स्रोत में हरा कशिश से मिलता है और इसका जो उपयोग है वो पेट्रोलियम शोधन में होता है। पेट्रोल को रिफाइन करने में, उसके साफ करने में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। रंग और औषधियां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा मैंने अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो फिटकरी और शीरा है। अब मैं इसके उपयोग को देख लेता हूँ। उपयोग में ये औषधियों में, उर्वरक में, विस्फोटक और अम्लराज बनाने में उपयोगी है या उपयोग हो रहा है। प्रोटोग्राफिक और प्रयोगशालाओं में भी इसका बहुत उपयोग देखा जाता है। अगला अम्ल मेरा एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल मुझे फलों के रसों में या सुगंधित तेलों में मिलता है, या प्राकृतिक स्रोत इसके फलों के रस और सुगंधित तेल हैं। अब इसका उपयोग विलायक के रूप में, एसीटोन बनाने में,
खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में। हम देखते हैं एसिटिक अम्ल को हम सिरका या विनेगर के नाम से भी जानते हैं। तो एसिटिक अम्ल विलायक के रूप में भी उपयोग हो रहा है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर विलायक की हमें किसी चीज को घोलने की जरूरत पड़ रही है तो विलायक हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस जो किसी सब्सटेंस को घोलने में सहायक होते हैं। तो ये सॉलिड को घोलने में भी हेल्प करता है और खट्टे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। अगला मेरा एसिड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो लाल चींटियां, बिच्छू या बर्रे। आपने देखा होगा लाल चींटी हो या बिच्छू हो, बर्रा हो, तो अगर ये डंक मार देते हैं, काट लेते हैं, तो वहां पे सूजन या खुजली टाइप का कुछ हो जाता है। ये फॉर्मिक एसिड के कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। चलिए अब इसके उपयोग देख लेते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में इसका बहुत उपयोग है। फलों को संरक्षित करने में अगर मुझे अपने फलों को एक लंबे टाइम तक चलाना है तो मैं फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करता हूँ। रबड़ के स्कंदन में और चमड़ा व्यवसाय में फॉर्मिक अम्ल का उपयोग होता है। अब मैं बात कर लेता हूं क्षार की। तो जैसे मैंने एसिड को डिफाइन किया है वैसे ही क्षार को भी, क्योंकि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में क्षार और अम्ल को इसी तरीके से डिफाइन किया है, इसी तरीके से जाना है। तो मैं क्षार को ऐसे जान लेता हूं, ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और अगर इनका जलीय घोल बना लेता हूं और उसकी मुझे पहचान करनी है तो अब मुझे लाल लिटमस पेपर लेना होगा जो बदल जाता है नीले लिटमस पेपर में। तो यह लिटमस पेपर मेरा प्राकृतिक सूचक है जो सूचना देता है मेरे अम्ल और क्षार की उपस्थिति को। ये जैसे ही कांटेक्ट में आता है ये अपना कलर चेंज कर देता है जिससे मुझे मालूम हो जाता है कि मेरा घोल या जलीय घोल जो है वो अम्ल है या क्षार है। स्वांते आर्हेनियस ने क्षार को भी डिफाइन किया है। तो इनके अनुसार क्षार वो पदार्थ है जिनको जल में मिश्रित करने पर ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या OH आयन दे रहे हैं, तो इनको मैं क्षार कहूंगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल के साथ में मिश्रित किया जाता है सोडियम ऑक्साइड अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे Na प्लस और OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं। तो श्वान्ते का जो क्षार का परिभाषा थी ये उसको फॉलो कर रहा है। अगला एग्जाम्पल मैंने वाटर का लिया है। वाटर हमने एसिड में भी पढ़ा था, तो यहाँ देख रहे हैं वाटर जब वाटर के साथ में मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन आपका यहाँ पे मिल रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा जल अब क्षार की तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसके गुणों की चर्चा कर लेता हूँ। गुणों में स्वाद में ये कड़वे होते हैं। अगर मैं छू करके इनको देखना चाहूँ, फिजिकली इनको टच करना चाहूँ, तो ये चिपचिपे और फिसलन वाली प्रकृति के होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनका ये भी गुण है अगर अम्लों के साथ में इनकी क्रिया करा दी जाए तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के लवण बनाते हैं, साथ साथ में पानी का मॉलिक्यूल भी बाहर निकालते हैं। ये इनका बहुत उपयोगी गुण है। जब भी आपको इसका आंसर देना हो तो ध्यान रखिएगा एसिड बेस आपस में
रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं उसको। जैसे हमने पीछे पढ़ा एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटियां इसकी प्राकृतिक स्रोत है। अगर चींटी हमें काट खाती है, बर्रे हमें काटते हैं, क्योंकि एसिड है तो हम बेस का यूज करते हैं, हम उस पर साबुन या कोई ऐसा यौगिक उस पर लगाते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो बेसिक हो या जो क्षार हो। हमें पता है क्षार और एसिड या अम्ल मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं आपस में एक दूसरे का, तो खुजली या जो सूजन है वो कम हो जाती है। अगला गुण इनका है तेल व गंधक को अपने में घुला लेने की क्षमता। जो क्षार है, क्षार में तेल और गंधक घुल जाते हैं, ये भी इनका एक अपना विशिष्ट गुण है। थैंक यू। और मुझे आशा है कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये लेक्चर आपके एग्जाम पर्पस से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये लेक्चर उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है। थैंक यू बच्चों।